જોરદાર તાળી થઈ ગઈ મિત્રો. હિન્દી ફાવશે બધાને? ચાલશે ને? હું છું ગુજરાતી પણ બોમ્બેમાં મેં શોઝ કરે ત્યાં વધારે હિન્દી બોલીએ ને, તો જરા મને થોડું કમ્ફર્ટેબલ લાગશે. તમને બધાને ચાલતું હોય તો હા કે ના? કિતને સાલ આપકી શાદી કો સર? 4 સાલ હો ગયે. કિતની શાદી હૈ, કિતની કી સર? ठीक है भाई, साथ में क्या पे अकेला है? अकेला है, कोई पहचान वाला है यहाँ पे आपका? बहुत जन. अच्छा, मुझे मेरे पहचान वाले भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ कि एक ही शादी हुई है. सब जेंट्स है, कैरेक्टर पे शक करेंगे थोड़ा इस तरह. ठीक है, अभी आवा हुआ. गुड गुड, वेरी गुड. चलते ना साहब, थोड़ा कॉमेडी मजा. आपके सामने 3 बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग है? 3. अरे जरा मरदान दिया आवाज में बोलो. 3. 3. डरा के बोलो आराम से. तो सामने देखिए और सोचिए, आपके सामने 3 बिल्डिंग है. बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3. तीनों बिल्डिंग में आग लग जाती है, एम्बुलेंस आएगी. कौन से वाले बिल्डिंग की आग बुझाएगी? 1, 2 के 3? तीनों की. एम्बुलेंस कभी आग नहीं बुझाती. अरे सैनी सिंगापुर थे लेकिन सिंगापुर जरा इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला. सिंगापुर. वेरी गुड, ऐसे बोला. जब कभी भी जाके आओ ना, तो कम से कम एक हफ्ते भर तक आपको यहाँ बोलना है. क्या बोलना है सर? वेरी गुड. क्यों बोलना है? तो सामने वाला पूछेगा क्यों यहाँ बोल रहा है? बोले मैं सिंगापुर जाके. नहीं तो बताएंगे नहीं सर, सिंगापुर गए थे. मतलब थोड़ा ऊपर थी जतूरी. चलो वांधो नहीं, कहीं छोड़ते नहीं. चलिए आज पर तुम तब फॉरेन जाओ ने, पाछी यहाँ भी नहीं यहाँ बोल रहा हूँ. त्यारे को बता यहाँ बोले, यस ना बोले, इतना मटे. चल वांधो नहीं. गुड 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 गुड, थोड़ा फास्ट. तो सोचिए आप सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से वापस आने के टाइम पे आप अपनी खुद की वाइफ के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आ रहे थे. कपड़े धोने का मशीन, वॉशिंग मशीन लेके आ रहे थे. प्लेन ऊपर से जा रहा था, वॉशिंग मशीन आपके साथ में था. पायलट प्लेन चला रहा था, बद्दू रियल व्यवस्थित था. इन्हें लेने बैठा था वॉशिंग मशीन ने. पायलट ने कहा अचानक वातावरण बिगड़ जाता है, फ्लाइट के बाहर का, प्लेन के बाहर का वातावरण बिगड़ जाता है. पायलट ने कहा सैली जी आप नीचे कूद जाओ, या तो वॉशिंग मशीन को नीचे फेंक दो वरना प्लेन क्रैश हो जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे. तो आप क्या करोगे, वॉशिंग मशीन को नीचे फेंक दोगे या आप नीचे कूद जाओगे? दोनों में से एक ही जवाब दीजिएगा सर. मैं. यानी वॉशिंग मशीन आप पहुंचा के रहोगे पत्नी व्रता. वेरी गुड, साचू जवाब छे. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट. All day.
आ सर रे समय में माइक्रोफोन बस थोड़ा गेन थोड़ा ऊंचा कर दो बस इको नहीं आपका सर ओके हां बस बस वेरी गुड चल से आवाज आवे ना भाषण से भी ओके बोलो चू ओके बोलो चू मैजिक हो गया पता चला तुमने खबर पड़ी मैजिक क्यों कवर कटिंग मेक इट इक्वल पर हमेशा ध्यान रख लो कचरा नीचे डालना है शो वी आर इंडियंस हाँ ये तो स्वच्छता बेन भी तो स्टार्ट कर दे अगर वो है तो स्टार्ट कर ओके थोड़ा आगे जाए यस सर म्यूजिक मर्दान जी आवाज के साथ ओके मैं आवाज नहीं थी जोड़ दो वन टू थ्री सू Thank you.